हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेड वेलवेट केक की रेसिपी। और इस केक को मैंने बनाया है बिना अंडा, बिना ओवन के, और इसे सजाया है मैंने न्यूट्रल जेल से। आइए फटाफट से देख लेते हैं इस केक की रेसिपी। सबसे पहले आधा कप दही, एक कप पिसी हुई चीनी को एक बोल में लेकर अच्छे से मिला लेंगे। दही और पाउडर शुगर मिला लेने के बाद हम इसमें आधा कप रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। एक बोल में छन्नी लेकर डेढ़ कप मैदा, 1 टेबल स्पून चोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा लेकर अच्छे से छान लेंगे, जिससे कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अच्छे से मिल जाए और कोई लम्स भी ना रहे। इसके बाद हम पहले से तैयार मिक्सचर में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। अगर हम एक बार में मिला देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 3/4 कप दूध ऐड करेंगे। दूध को भी एक बार में ऐड ना करके थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। इस बैटर को बनाने में जो हमने दूध, दही, इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं सभी रूम टेम्परेचर पर हैं। बैटर हमारा रेडी है। इस बैटर को जब हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो ये रिबन के जैसे गिर रही है, मतलब कि ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून वेनिला एसेंस और कुछ ड्रॉप रेड फूड कलर के मिलाते हैं। इसके बाद एक केक टिन लेके उसे हल्का सा ऑयल या बटर से ग्रीस कर लेते हैं और एक बटर पेपर लगा लेते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह सिंपल ऑयल या बटर से ग्रीस करने के बाद हल्का मैदा रस्ट कर सकते हैं, इससे भी केक अच्छे से टिन से निकल जाता है। बैटर को केक टिन में डाल लेते हैं। सिंपल कढ़ाई में स्टैंड रख कर उसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। अब उसमें केक टिन को रख कर ढक कर बेक करेंगे। जब तक हमारी केक बेक हो रही है हम अपने व्हिपिंग क्रीम रेडी कर लेते हैं। व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए मैंने मोल्ड को 10 मिनट तक फ्रीजर में रखा है। इसमें मैंने 1.5 कप चिल्ड व्हिप क्रीम यूज की है। इसमें 2 चम्मच आइसिंग शुगर मिलाते हैं। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी भी यूज कर सकते हैं। इसे हम परफेक्ट पिक्स आने तक व्हिप करेंगे। 45 मिनट के बाद केक चेक करते हैं। केक के अंदर एक टूथपिक डालें। टूथपिक पूरी क्लियर है, मतलब केक पूरी अच्छी तरह से बेक हो गई है। आपके केक को बेक करने में कितना समय लगेगा कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस बर्तन में और किस मोल्ड में केक बना रहे हैं। केक को अच्छा से ठंडा करने के बाद हम उसे केक टिन से निकालेंगे। ये देखिए हमारी केक परफेक्ट स्पंजी, परफेक्ट फ्लफी बनी है। आप भी ये रेसिपी फॉलो करके सेम ऐसी स्पंजी फ्लफी केक घर पे बना सकते हैं। अब हम इसे आइसिंग करेंगे। आइसिंग करने के लिए सबसे पहले हम चाकू की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे धागे की मदद से हम लेयर्स में कट करेंगे।
धागे की मदद से हमने केक की 3 लेयर काट लिए हैं। आइसिंग के लिए हम सबसे पहले बोर्ड पर थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लगा के फर्स्ट लेयर रखेंगे और उसे शुगर सिरप से सोक करेंगे। शुगर सिरप को मैंने 2 चम्मच चीनी को 1/4 चम्मच पानी में घोल के बनाया है। शुगर सिरप से सोक करने के बाद व्हिपिंग क्रीम की लेयर लगाते हैं और इसे अच्छे से फैला लेते हैं। उसके बाद सेकंड लेयर में भी शुगर सिरप से सोक करने के बाद व्हिपिंग क्रीम की लेयर लगा लेते हैं। अब लास्ट लेयर को भी रख के उसे व्हिपिंग क्रीम से कवर कर देते हैं और पूरी केक में क्रम कोटिंग कर लेते हैं। केक की अच्छे से क्रम कोटिंग होने के बाद उसे कम से कम 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं। उसके बाद फाइनल कोटिंग करते हैं। 20 मिनट बाद फ्रिज से निकाल के इसकी फाइनल कोटिंग करते हैं। इसे चारों तरफ से अच्छे से मिलाते हुए लगाते हैं। इसकी एजेस को भी परफेक्ट करते हैं और जितनी भी एक्स्ट्रा व्हिपिंग क्रीम है उसे निकाल लेते हैं। केक जेल बनाने के लिए हम 2 चम्मच न्यूट्रल जेल में 1 चम्मच पानी मिलाते हैं और उसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसके बाद उसमें हम रेड फूड कलर मिलाते हैं। इसे अच्छे से मिलाना है, ये ना ज़्यादा पतला होगा ना गाढ़ा। इसके बाद हम केक जेल को केक के ऊपर डालेंगे और उसे नाइफ की मदद से अच्छे से फैलाते हुए पूरे केक पे लगा लेंगे। इसके बाद हम चम्मच की मदद से केक के साइड में ड्रॉप ड्रॉप करके डालेंगे। इसके लिए हम पाइपिंग बैग में केक जेल को भर के भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने केक के ऊपर फूल बनाने के लिए एक स्टार शेप नोजल को पाइपिंग बैग में लेके उसमें व्हिपिंग क्रीम भर ली है। इसके बाद स्टार नोजल की मदद से केक के ऊपर फूल बना लिए हैं। लास्ट में केक को कुछ गोल्डन बॉल से सजा लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए वरना मत डालिए। इससे केक के टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। लीजिए बनके तैयार है हमारी केक। मैं प्रोफेशनल बेकर नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसे सीख रही हूँ और अपने सीखने के अनुभवों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी कोशिश और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।